रेल वाले आ जान जान काल जान जान मानो मार की ले जाओ तो रेल वाले रेल कौन सा बात है रेल कौन सा बात है हां तभी का जमीन है कहां कनारपुर की बात दूसरी तो मां तो पेटपुर की राशि बता अच्छा टापरा ने क्यों पाला माने या टापरा ने क्यों पालो आठ आठ टापर ही कोई धंधो मारता भी मैं ऊंट सारे सिर त्या आठ आठ टापर क्या दिखे है दुकान पाले ही आज हमारी जमीन ले बनता रहो जी बाप दादा की जमीन है एक बार सोचो कौन जो आज दूर काल तू अलो बात गई कौन दे कर जमीन का पानी लोग मां तो कोई तुम का साई करी बात है रेल वाई 100 लाख ही कौन जान जा अलो धंधा धंधा अजय को सरकार को सा भी का धंधा ही भी का पकड़ पड़ूंगी भी का पकड़ तू क्यों पाड़ा माने वाई तो दर कौन जान जो एक तो मार कनार ऊपर की जाई है और दूसरी और मार पेटपुर की काटे बताओ मैं टाड़ा गन में भी पाड़वा को धंधो तो बताओ माने और बता दो आप भी अवसर मांगा मारा ने अवसर मांगा मन्ना चालू करो धंधो तो बताओ बोलियो का मन्नो चालू कर जा कोई भी तो सोचो पेन से लग भैया का काम करता जो है रेलवे काट रहे ठीक है इंजन की सरकार मुर्दाबाद डबल इंजन की सरकार मुर्दाबाद रोजाना सु अखबार में विज्ञापन है ना ये रेल संबंधी अटका किसान सो को नहीं पाया क्योंकि जका किसाना की दो दो तीन तीन बीघा आबादा रेल मारी है एक रेल का मायने दो तो और ब्रिज हैं और 17 अंडरब्रिज एक अंडरब्रिज में 300 मीटर जगह जा रही है और एक ही लंबाई 16-17 किलोमीटर है एक मायने 1000 किसान और 150 खसरा प्रभावित हो रहे हैं अठगा किसान है बहुत गरीब है कम जोत का ही आखिर पूरी जगह जमीन है रेल का माय आ जाएगी तो ऐ जाएगा कटे आज थे आज की श्री सीमेंट कंपनी है आज जनासू लागी है आज किसानों के साथ अन्याय अन्याय कर रही है कोई किसान की 50,000 में ले ली कोई की लाख में ले ली कोई की 5 लाख में लेगी आज जिये के तरीके अन्याय करी है कि हद से ज़्यादा कर दी अठाका सुनो साहब अठाका विधायक हैं आ बिने वो बेरोकोनी की आ रेल लाइन की का राज में जा रही है आ बीजेपी का राज में जा रही है जो विधायक जी तो आ कह रहे हैं कि वो नोटिस कांग्रेस ने दिलवाए हैं देखो राजनीति से ऊपर उठ रहा मैं सकला किसान मान कोई मतलब कोई राजनीति से आज के ज्ञापन हमने सीएम को दे दिया रेल मंत्री को दोपहर दे दिया शिखर सांसद को दे दिया रेल के बड़े अधिकारी को दे दिया मारी को सुनने कौन चाह रहा है ए नोटिस काट बाकी और जबरन कार्रवाई की कार्रवाई कर रहे हैं आचार संहिता बाद में कद भी कर सकें तो इसलिए ज्ञापन दे पाया रेल मंत्री के भिजवाऊंगा फिर भी नहीं मानेगा तो दूसरे तरीके से सोचा किसान है रणनीति रहेगी आगे आगे की रणनीति ये रहेगी भाई हम जमीन को इस रेल को जाने नहीं देंगे बस स्थिति है हाँ। हम वो जहाँ जहाँ रेल जा रही है वहाँ हमारे टेंट लगा देंगे किसान बैठ जाएगा हम निकलने हमारे सीने के ऊपर से कितने किलोमीटर की है कितने की है 16 किलोमीटर की है 1000 किसान प्रभावित हो रहे हैं 150 कसरा हैं 50 किसानों का मकान तोड़ा जा रहे हैं 17 अंडर पार हैं 2 ओवर ब्रिज हैं और 12 जगह फाटक हैं स्थिति बहुत खराब पूरी जमीन जाए किसान बच्चों को सरकारी रेट में नहीं रहना ना सोने की तो मात ही नहीं है सरकारी रेट तो 1,80,000 रुपए है उसमें कैसे देख सकते 32 रुपए मीटर की पर भी गएगा हां बिल्कुल हां ये पर भी गएगा कच्ची भी गएगा 1,80,000 रुपए हम तो 1 करोड़ में भी नहीं देंगे जमीन दे नहीं रहा मुआवजा किस बात का इसमें 7 गांव आ रहे हैं यहाँ जोड़ की ढाणी से दुर्जनपुरा दुर्जनपुरा से बैरी भजनगढ़ तुरकानी जोड़ी बशावा झाझड़ और गोठड़ा तक जाएगी अरे ओ बाणियो है जो मेरी बात सुनो अठाऊँ धन कमा दूसरी जगह ले जा रही है इन्हें शर्म क्यों को नहीं आ भाई किसानों ने मार भाग ले खड़े हो रहे वो तो भाई प्लेन में ले जा सके कट्टा क्यों इस तरीके वो किसाना की जमीन थे सोच पा की बात है कतरनी की जिया काट देनी मतलब त्रिकोणी त्रिकोणी हो रही है और उसमें भी अंडर पार है 2 बीघा 5 बीघा किसान की जमीन है उसमें एक आधी बीघा जमीन बच रही है बताओ किसान की कहते जागो और पूरा अगर आपा पूरा मुआवजा भी को माना है सरकारी रेट में तो 9.5 लाख रुपये में 4.5 बीघा जमीन बताओ किसान जाएगा कहाँ जाएगा बताओ आठ सुनिए नए विधायक ने सुनिए विधायक जी तो मीडिया में बैठ दे रहे हैं बाकी किसानों से कौन मिले हैं डेढ़ हाँ। मनो दो मना होगा किसान सो नहीं पा रहे हैं क्यों जगह किसान के मतलब ग्राहक का कनों का रेल जा रही है 32 जमीन है बिकी स्थिति पर अगर घर भी जानो शेखावटी में के हिसाब का बनाया कोई मजबूत को नहीं रेल जाएगा उससे फूट जाएगा भाई कलेक्टर से जो नीचे अधिकारी होते हैं उनको सभी को ज्ञापन दे चुका है आज तक किसी भी ज्ञापन का हमें कोई जवाब नहीं मिला इसलिए आज हमने ये फैसला किया है कि नवलगढ़ एसडीएम को फिर हमसे ये पूछना चाहते हैं कि हमने जो ज्ञापन आपको सौंपा था रेलवे लाइन को निस्तीकरण करने के लिए तो उस ज्ञापन का क्या हुआ हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला अभी तक तो हम ये आज 500 लोग इकट्ठे इसलिए हुए हम ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं करना चाहते इसके
लिए। तो समझाना चाह रहे हैं इस प्रशासन को और इस सरकार को कि हम ये रेलवे लाइन बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और SDM साहब को यही पूछना चाह रहे हैं कि जो ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन का क्या हुआ। महान बेटियों और हमारे युवा साथी की आवाज़ उठाने के लिए आप यहाँ पहुँचे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ यहाँ लोग यहाँ के विधायक को कि आज किसान दो घंटे से चक्कर मार के हम थक रहे हैं, घूम रहे हैं और अपनी मांग रहे हैं कि क्या ज़मीन हमारा हक है और वो भी हमारे से छीन लिया जाए, हमारे पास बच्चेगा क्या, हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, दो दो बीघा ज़मीन है उससे रेल लाइन निकल जाए तो हमारे पास तो बच्चेगा क्या। ये किसान बेचारे सब मर जाएंगे, हम किसान के बेटे हैं, हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, किसके पास रोएं। हमने CM साहब हमारे यहाँ आए थे तब भी हमने पुलिस प्रशासन ने हमारे को कस्टडी में लेके ज्ञापन दिलाया था, हम किसान दीप ज्ञापन भी दिया, कोई जवाब नहीं आया। विधायक को ये सोचना चाहिए कि हमारे को कि किसान के बेटे यार इससे अपने वोट लिए हैं, इनकी मान सम्मान तो रखे कम से कम, अरे इनकी सुने तो सुने कम से कम, आज यहाँ आना चाहिए। दो दिन पहले अखबार में दिलाया, कैसे भी काम हो, कहीं भी कोई ऐसे में बैठा हो, कहीं बैठा हो, इसको यहाँ पे आना चाहिए किसानों के बीच में और किसान की बात सुननी चाहिए। लेकिन भाई कोई नहीं सुनता, जैसे चुनाव जीत गए वैसे ही मौन, यहाँ से फुर हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ हम किसान परेशान हो रहे, हमारी सुनो, आपको भगवान सुनेगा। उसे तुम 12 नहीं बताते हो कागजों में, अरे तुम कलम के अधिकारी नहीं हो, तुम कलम के कसाई हो, कलम के कसाई हो।